दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जग वंदन अंजन सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट ना आवे, ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। क्या गुरुकुल में भेजने के बाद हमें अपने पुत्र को भूल जाना चाहिए? क्या हम उनका स्मरण भी नहीं कर सकते? गुरुदेव को मेरे कारण बहुत परेशानी हुई है। आप अंगिरा वंशज महर्षि अंगवाहन के पास जाएं। आप निश्चिंत रहे राजन, हमारे आश्रम में जो भी आया है वो कभी निराश नहीं लौटा है। हनुमान का सत्य महर्षि अंगवाहन भलीभांति जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि कल तुम प्रातः काल बिल पत्र लेकर आओ और पूजा होने के पश्चात विधिवत हम तुम्हें शिक्षा देंगे। यहाँ तो कहीं बेलपत्र दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब कहाँ जाऊँ? पूजन का समय समाप्त हो गया तो ठीक नहीं होगा। गुरुजी की दृष्टि में मैं दोषी हो जाऊंगा। चाहे जैसे भी हो, मुझे बेलपत्र ढूंढना ही होगा। लगता है कि ये वन में रहने वाले हैं, ये बता सकते हैं कि बेलपत्र कहाँ मिलेगा। आप दोनों को मेरा प्रणाम। सदा सुखी रहो। पुत्र तुम कौन हो? मैं हनुमान हूँ, केसरी नंदन हनुमान। बड़ा ही सुंदर नाम है, यहाँ किस कार्य से आए हो? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बेलपत्र कहाँ मिलेगा? इन वनों में बेलपत्र की क्या कमी है पुत्र? क्या महादेव की पूजा करोगे? हाँ दादी माँ, कहाँ मिलेगा? मैंने तो ये पूरा वन छान मारा पर बेल का वृक्ष तो मिला ही नहीं। हम तुम्हें उस वृक्ष तक पहुँचा देंगे पुत्र, पर हमारी एक समस्या है। कैसी समस्या? हम 3 दिनों से कुछ खाए नहीं हैं। वन का मार्ग इतना कठिन है कि अब चला भी नहीं जा रहा है। अजय तुम हमारे खाने के लिए कुछ कंद मूल ला दो बेटा, तो हमारी भूख मिट जाएगी। हाँ बहुत भूखे हैं। कल पुनः सोमवार है और सोमवार भगवान शिव का विशेष दिन होता है। मैं चाहता हूं कि कल तुम प्रातः काल बेलपत्र लेकर आओ और पूजा होने के पश्चात विधिवत हम तुम्हें शिक्षा देंगे। क्या करूं? बेलपत्र लेकर आश्रम जाऊं या उनके लिए खाने की व्यवस्था करूं? इनका आग्रह कैसे ठुकरा सकता हूं? क्या सोचने लगे पुत्र? कुछ नहीं, पर इस वन में फल के अलावा और क्या मिल सकता है? यदि फल ही मिल जाए
तो हमारी भूख शांत हो जाएगी। सिखता करो पुत्र, अब भूख सहन नहीं हो रहा। परंतु बेलपत्र। पुत्र, बेलपत्र की चिंता मत करो, वो मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। कब तक प्रतीक्षा करेंगे गुरुदेव? पूजन का समय बीता जा रहा है। हाँ गुरुदेव, आप आदेश करें तो हम अभी बेलपत्र जाकर ले आते हैं। गुरुदेव, हमें जितनी चिंता इस पूजा की है उतनी ही चिंता हनुमान की भी है, और वैसे भी वो इस प्रदेश में बिल्कुल नया है। पता नहीं वो कहां भटक रहा होगा। तो क्या उसे हम ढूंढने जा सकते हैं गुरुदेव? इसके संबंध में हम तुम्हें स्वयं बताएंगे। हनुमान को बेलपत्र ना मिले, ये कैसे संभव हो सकता है? वो तो आपका ही अंश है प्रभु, कहीं ये आपकी लीला तो नहीं है भूतनाथ? प्रभु, इस प्रकार हम कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे? संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान, 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 हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े वन में कोई फल ही ना हो? किसने नष्ट कर दिए वन के सारे फल? यदि मुझे फल नहीं मिल रहे हैं तो उन्हें फल क्या मिलेंगे? वो तो भाग दौड़ भी नहीं कर सकते। उधर गुरुदेव भी चिंतित होंगे। क्या महर्षि वाचक के समान ये भी क्रोधित हो जाएंगे? क्या ये आश्रम भी छोड़ना पड़ेगा मुझे? कैसी विकट समस्या है, अब अधिक विलंब करना उचित नहीं है। सुना है किष्किंधा में फलों के बहुत उद्यान हैं, वहीं चलना चाहिए। वो देखिए दीदी, ये बालक अवश्य सफल होगा। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था। पर अंगवाहक का क्या होगा? क्या वो ऋषि के दिए हुए समय पर वापस वहाँ पहुँच पाएगा? यही तो देखना है। यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर फल हैं, पर एक एक तोड़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। क्यों ना पूरी डाली ही खींच लूं? ठहरो! तुमने यहाँ आने का साहस कैसे किया? किससे पूछ के तुम इस वाटिका में आए हो? जानते हो इस वाटिका का स्वामी कौन है? कोई भी हो, मैंने अपने लिए इसे नहीं तोड़ा है, वृद्ध दंपति के लिए ले जा रहा हूँ। तुम्हें महाराज बाली के पास चलना होगा, दंड का भागी है तू, चलो। मेरे पास समय नहीं है, अगर अभी मुझे रोकने का प्रयास किया तो अनर्थ हो जाएगा।
देखा बालक अभी तक वापस नहीं आया। जुग जुग जियो पुत्र, इतने सारे फल देख के तो मैं तृप्त हो गई। ये तो ठीक है, पर बेल पत्र कहाँ है? आपने तो कहा था कि। अरे बेटा ये सब देखो ना, ये सारे बेल पत्र तो हैं। जाओ अपनी पूजा के लिए सारे बेल पत्र ले लो। धन्यवाद। गुरुदेव ने तो बताया ही नहीं कि कितने बेलपत्र लेने हैं। अब तो पूछने का समय भी नहीं है। अब तो आपको विश्वास हो गया देवी कि हनुमान किसी भी परिस्थिति में अपने दायित्व को पूर्ण करने में सक्षम है। मेरी आशंका दूर हो गई स्वामी। महर्षि अंगवहन हनुमान को विलंब के लिए क्षमा करे या ना करे। देवी, इन कार्यों को पूर्ण करते हुए हनुमान ने अति शुग्रता की है। पूजन का शुभ मुहूर्त तो अभी भी शेष है। पूजा का अंतिम चरण बीता जा रहा है। अब महादेव से क्षमा मांगकर हम उसे ढूंढने चलते। किंतु गुरुदेव, आज सोमवार का दिन है, आज हम बिना पूजन के कैसे चलेंगे? जिसके कारण यह विलंब हुआ है वो साक्षात महादेव का ही अंश है। महादेव इससे कदापि अप्रसन्न नहीं होंगे। गुरुदेव, गुरुदेव! ये पूरा वृक्ष चलाने के लिए तुम्हें किसने कहा? और इस शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तुम्हें किसने प्रेरणा दी है? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ, बताओ। गुरुदेव, आपने ये नहीं बताया कि कितने बेलपत्र लाने हैं? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए कितनी बेलपत्रों की आवश्यकता होती है? मैं तो पूरा वृक्ष ले आया गुरुदेव, आप जितना चाहे तोड़ ले। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अगर कोई अनहोनी होती तो किसके ऊपर कलंक लगता? तुमने तनिक भी नहीं सोचा। अभी तुमने शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ भी नहीं किए। यदि तुम्हें शिक्षा ग्रहण करना है तो तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा। और शिक्षा का प्रथम आवश्यकता संयम। जी गुरुदेव। चलो महादेव की पूजा आरंभ करते हैं। संकट मोचन जय हनुमान। जब तक तुम हमें उड़ना नहीं सिखाओगे तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। अब आप ही बताइए स्वामी, हनुमान अपनी परीक्षा में सफल हुए या असफल? नहीं देवी, इसे हनुमान की असफलता नहीं कही जा सकती। देवी, महर्षि अंगवाहन को
वो कदापि कष्ट नहीं देना चाहते थे और यह बात महर्षि भलीभांति जानते थे। परंतु आपने तो कहा था हनुमान अब ऐसी कोई भूल नहीं करेंगे जिससे उनकी शिक्षा बाधित हो। यह तो सिद्ध हो चुका है देवी, हनुमान की शिक्षा बाधित नहीं हुई। महर्षि ने तो गुरु के दायित्व का निर्वाह किया है। इसका अर्थ ये हुआ कि हनुमान ने जो भी किया आप उसे उचित मानते हैं। हमने पहले ही कहा था देवी कि कभी कभी वरदान भी कष्टकारी हो जाते हैं। यदि हनुमान को उतनी शक्ति नहीं मिली होती तो क्या हनुमान उस वृक्ष को समूल उखाड़ सकते थे? ये ठीक है स्वामी, पर बल के साथ विवेक भी आवश्यक है। हनुमान के बल और विवेक के संतुलन का समय अभी नहीं आया देवी। उनकी आयु तो अभी बाल लीलाओं की है। जय हनुमान जय जय हनुमान। रुक जाओ। जय हनुमान जय जय हनुमान। 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 रुको गुरु भ्राता, रुको। अब बताओ हनुमान, तुम प्रसन्न हुए या नहीं? मैं तो सदा प्रसन्न रहता हूँ। बताओ तुम लोग क्या चाहते हो? हम तुम्हारे समान उड़ना चाहते हैं, आकाश में जहाँ इच्छा वहाँ जाना चाहते हैं। बस हमें उड़ना सिखा दो हनुमान। हम गुरुदेव को चमत्कार दिखाना चाहते हैं हनुमान। नहीं नहीं, ऐसी भूल मत करना। यदि किसी को कुछ हो गया तो सारा दोष मुझ पर आएगा। हम केवल उड़ना चाहते हैं हनुमान, तुम्हारी तरह वृक्ष थोड़ी ना उखाड़ना चाहते हैं। बताओ ना हनुमान, उड़ने का कौन सा मंत्र है? कोई मंत्र नहीं है, केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लगातार अभ्यास करने से तुम सभी स्वयं सीख जाओगे। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं था? सिखाया था, परंतु हम वैसा नहीं कर सकते। लगता है ऐसी बात नहीं बनेगी, हनुमान को पुनः प्रसन्न करना पड़ेगा। रुको, गुरुदेव के आने का समय हो गया है, हम सबको अपने कुटी में चलना चाहिए। जब तक तुम हमें उड़ना नहीं सिखाओगे तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। चलो तुम सब एक कतार में खड़े हो जाओ और अपने हाथ उठाओ। संकट मोचन जय हनुमान। और उछलो, जोर से उछलो, प्रयास करो गुरु भ्राताओं, प्रयास करो। उछलो गुरु भ्राताओं, उछलो, प्रयास करो, उड़ने का प्रयास करो। उछलो उछलो गुरु भ्राताओं, कूदो, प्रयास करो। उछलो उड़ने का प्रयास करो गुरु भ्राताओं, उड़ो, उछलो, कूदो, प्रयास करो, उछलो। तुमसे नहीं उड़ा जा रहा, तुमसे नहीं उड़ा जा रहा, नहीं उड़ा जा रहा। मुझे उड़ना है हनुमान, मुझे उड़ना सिखाओ। अच्छा तो तुम उड़ना चाहते हो, ठीक है तो अपने हाथ ऊपर उठाओ। बचाओ हनुमान, मुझे बचा लो, बचा लो हनुमान, बचाओ हनुमान, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ हनुमान, मुझे बचाओ, बचा लो हनुमान, बचाओ हनुमान, मुझे बचाओ। ये क्या हुआ सदानंद? उठो सदानंद।
कुछ नहीं किया गुरुदेव, ये लोग तो उड़ने का अभ्यास कर रहे थे। ये उड़ने का विचार किसका था? किसका था ये विचार? किसकी मति मारी गई थी? मैंने इन्हें केवल अभ्यास करने के लिए कहा था गुरुदेव। हनुमान के छुते में उड़ने लगा गुरुदेव, पर स्वयं को संभाल नहीं सका। सभी अपने अपने कुटिया में जाओ और विश्राम करो। ये क्या हो रहा है देवाधि भाई? कहीं ये किसी भारी संकट का संकेत तो नहीं है? हनुमान तो संकट मोचन है महादेव, पुनः ये सारे संकट क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? भूल तो हमने ही किया सदानंद, उड़ना तो तुम ही चाहते थे, हनुमान हमारे पास नहीं आया था। पर जब हनुमान को पता था कि उड़ने की विद्या सीखना इतना आसान नहीं है, तो उसने प्रयास क्यों किया था? हनुमान ने स्पष्ट कहा था कि गुरुदेव के आने का समय हो चुका है, हमें हमारी कुटिया में जाना चाहिए। कहा था, पर मुझे क्या पता था कि ऐसी दुर्घटना होगी। चिंता मत करो गुरु भ्राताओं, इस औषधि से तुम्हारे घाव अभी ठीक हो जाएंगे। पता नहीं इतनी ही ऊंचाई से कैसे चोट लग जाती है। आपका पुत्र हनुमान के भविष्य के लिए शुभ नहीं? हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। Day.